Okay students, let's move to our next exercise, exercise 7.2. पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. इन एन एसोसलस ट्राइंगल एबीसी विद एबी इज इक्वल टू एसी. एबीसी एक एसोसलस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स बराबर है. एबी बराबर है एसी के. उसके बाद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. बाइसेक्टर एंगल बी पे हमने बाइसेक्टर डाला जो मीट हो रहा है एंगल सी के बाइसेक्टर को ओ पे. ठीक है, इनको नाम देंगे एंगल बी जो पूरा एंगल है इसको इस ओबी ने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब एंगल वन और एंगल टू में डिवाइड कर दिया. सिमिलरली एंगल सी इसको भी डिवाइड कर दिया, ओसी ने बाइसेक्टर है इसका एंगल बाइसेक्टर थ्री और फोर में. फॉर एग्जांपल अगर बी 60 था तो अब एंगल टू 30 है और एंगल वन 30. उसके बाद जॉइंट ए टू ओ, ए को ओ के साथ ज्वाइन कर लो. उसके बाद हमें प्रूफ करना है टू शो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. ओ बी दिखाना है ओ सी के बराबर और ए ओ बाइसेक्ट्स ओ, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए. ओ ए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हमें प्रूव करना है एंगल फाइव एंगल सिक्स के बराबर है. ओके, तो मैं यहां पर लिखूंगा दैट इज या और एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स. ओके, सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, एबीसी एक एसोसलस ट्राइंगल है, अलग से बनाएंगे इसको. ए बी सी, ए बी दिया गया है साइड एसी की. हमें पता है जब दो साइड बराबर है और उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं तो एंगल बी होगा बराबर एंगल सी की. तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स ए सी देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. अगर एंगल्स बराबर हो तो साइड्स भी बराबर होते हैं. ओके, उसके बाद आगे चलते हैं. एंगल बी खुद किसका बना हुआ, एंगल वन प्लस एंगल टू. तो मैं लिखूंगा एंगल बी बना है एंगल वन प्लस एंगल टू, मगर दोनों बराबर है क्योंकि ओ बी जो है इसका बाइसेक्टर है. तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी बराबर है एंगल वन प्लस एंगल वन. तो एंगल बी है बराबर ट्वाइस एंगल वन. टू यहां मल्टीप्लाई है एंगल वन को, यहां ले जाओ डिवाइड हो जाएगा, मतलब हाफ ऑफ एंगल बी बराबर है एंगल वन और हाफ ऑफ एंगल बी बराबर है एंगल. ओके, क्योंकि एंगल वन और टू दोनों बराबर है. उसके बाद सिमिलरली एंगल सी की बात करेंगे. एंगल सी जो है बना है एंगल थ्री प्लस एंगल फोर. अगेन फोर की जगह मैं थ्री लिख सकता हूं क्योंकि ओ सी बाइसेक्टर है, इसने एंगल सी को बराबर दो एंगल्स में तकसीम किया है. तो लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल थ्री. टू मल्टीप्लाई यहां ले जो ट्रांसपोज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, वन हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल थ्री. ओके, और हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल फोर बिकॉज एंगल थ्री और फोर दोनों बराबर. उसके बाद चलते हैं इस वाले ट्राइंगल की तरफ, ट्राइंगल ओबीसी. इन ट्राइंगल ओबीसी एंगल टू होगा बराबर एंगल थ्री के. क्यों, हम क्या लिख सकते हैं, छोड़ो इसको पहले, हम लिखेंगे एंगल बी बराबर है एंगल सी के, एंगल बी बराबर है एंगल सी के. लेकिन इन दोनों साइड्स को डिवाइड बाय टू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगी. एंगल बी डिवाइडेड बाय टू मतलब हाफ ऑफ एंगल बी, वो किसके बराबर है, वो है एंगल वन के बराबर या एंगल टू के बराबर. मैं लिखूंगा एंगल टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल सी वो बराबर है एंगल थ्री के भी फोर के भी. मैं थ्री लेता हूं क्योंकि मुझे इस वाले ट्राइंगल के साथ काम है ओबीसी के साथ. तो मैं लूंगा एंगल टू हाफ, लूंगा हाफ ऑफ एंगल सी वो बराबर है एंगल थ्री. ओके, इक्वेशन फर्स्ट ऑफ उसका नाम. उसके बाद इन ट्राइंगल ओबीसी, अब ले लो ये ट्राइंगल, क्या करेंगे हम, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री. अगेन
ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, अलग से डायग्राम बनाएंगे इस ट्रायंगल की ओबीसी। जब एंगल्स बराबर होते हैं अपोजिट एंगल्स, तो साइड्स भी बराबर होते हैं, उसको कहते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो हम लिखेंगे देन ओबी इज इक्वल टू ओसी। क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। खत्म, हमारा पहला जो पार्ट था वो हो गया। उसके बाद हमें प्रूव करना है एंगल 5-6 के बराबर है। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट में, व्हाट वी विल डू इज यूज करेंगे दो ट्रायंगल्स। कौन से दो ट्रायंगल्स? एक तो ये ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी, अलग से बनाते हैं इनको ए ओ बी और हमारा दूसरा ट्रायंगल ए ओ सी। अभी हमने प्रूव किया इक्वेशन सेकेंड रख दो उसका नाम, अभी प्रूव किया ओ बी बराबर है ओ सी। ओके, और गिवन था ए बी बराबर है ए सी के और ए ओ ए ओ कॉमन, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये साबित होता है ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एओसी। तो हम क्या लिखेंगे, इन आल्सो इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी, एबी इक्वल्स एबी गिवन है, सॉरी एबी इज इक्वल टू एसी है, यहां पे एसी ये गिवन है और OB is equal to OC, OB बराबर है OC, कहां से लाया हमने इक्वेशन सेकेंड। ओके, उसके बाद दोनों में AO कॉमन है तो लिखेंगे AO is equal to AO कॉमन, therefore by side 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 congruency triangle ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी। जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये वाला एंगल जिसको मैंने यहां पे 5 नाम दिया था नी बराबर होगा 6 के, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे हम, देन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई सी पी सी। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं ओ ए जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। ओके, हेंस